हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लास। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। सोबोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। सोबोस एज आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अब देखिए, इससे पहले कि हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अटेंड किए थे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में जो गिवन नहीं होता है हम उसको अज्यूम कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अटेंड करते हैं। मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। तो सोबोस की प्रेजेंट एज 6, उनकी जो मदर है उसकी 6 टाइम्स है सोबो की प्रेजेंट एज। सोबो की एज अज्यूम कर लेंगे लैट सोबोस प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर्स, क्योंकि सोबो की जो मदर है सोबो की एज से कितने टाइम्स है 6 टाइम्स, तो हमें सोबो की एज ही नहीं पता, तो इसलिए सोबो की एज हम क्या शुरू कर लेते हैं एक्स ईयर्स। देन His mother present age, जब सोबो की एज एक्स ईयर है तो उसकी मदर की उसने 6 टाइम्स है, इट मीन्स 6x ईयर्स। ओके, सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। इस लाइन तक क्लियर हो गया अपने पास। अब आगे देखिए, सोबोस एज आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इट मीन्स प्रेजेंट एज से 5 ईयर्स बाद में, तो प्लस 5 करना पड़ेगा सोबोस, तो राइट करें सोबोस एज आफ्टर 5 ईयर्स। सो एज आफ्टर 5 ईयर्स प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5 ईयर्स। सोबोस एज आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। 5 ईयर्स के बाद जो सोबो की एज है वो प्रेजेंट एज है उसका कितना हो जाएगा 1/3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फाइव ईयर्स बाद सोबो की एज कितनी आई हमारे पास एक्स प्लस 5। 5 ईयर्स बाद तो सोबो की एज है उसकी मदर की प्रेजेंट एज की, मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6 है, उसका कितना हो गया 5 ईयर्स बाद। देखिए वापस समझो क्वेश्चन को, सोबोस एज आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। 5 ईयर्स बाद सोबो की एज एक्स प्लस 5, मदर की प्रेजेंट एज की कितना हो जाएगा 1/3, प्रेजेंट एज मदर की कितनी है 6x, तो उसका 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इंप्लाइज दैट 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट हो रहा है, x प्लस 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 1 2x ही होगा। प्लस के 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे एक्स, तो प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और प्लस के 5 को आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 5। डिजिट में से जो लार्ज डिजिट माइनस होगा, बड़ी वाली डिजिट के साथ नेगेटिव साइन तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। 2x में से x माइनस करें 1x, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 5, दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 5, और x इक्वल टू 5 क्या इसमें ही हो ईयर्स 5 ईयर्स। हेंस x आपने क्या अज्यूम किया था लेट सोबोस प्रेजेंट एज, सोबोस इक्वल टू 5 ईयर्स एंड हिज मदर and his mother
मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 6 into x, x की वैल्यू क्या है 5, 6 into 5 means 6, 5 is 30 years. यही हमें फाइंड करना था. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी थी. सोफो की प्रेजेंट एज कितना है 5 years, एंड उसकी जो मदर की प्रेजेंट एज कितनी फाइंड हुई 30 years. इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर स्कूल इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 एट द रेट ₹100 पर मीटर. इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. What are the dimensions of the plot? अब देखिए जो गिवन है हमारे पास वो लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशो गिवन है 11:4. सॉल्यूशन नोट करते हैं इसका. लेंथ एंड ब्रेथ गिवन रेशो हमारे पास 11:4. तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेंथ 4 multiply x, it means 11x and 4x. अब ये मीटर में, तो मीटर में हो गए मीटर मीटर. अब देखिए there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. तो हमने x में assume कर लिया, suppose 11x meter and 4x meter. ₹100 per meter. It will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. एक rectangular plot है हमारे पास. देखिए ऐसे समझो. इसके हमारे पास length हमारे पास 11x हो गई और breadth हमारे पास हो गया 4x. अब ये जो ये rectangular plot है वो fencing wire लगाने पर, देखो fencing जो wire लगाएंगे इसके चारों तरफ लगाएंगे. It means perimeter of rectangular plot. Perimeter of rectangular plot perimeter क्या होता है rectangular plot का 2 multiply l plus b length plus breadth. वैल्यूज पुट करेंगे, लेंथ हमारे पास कितना है 11x, ब्रेथ कितना है 4x, 4x टू 15x, मल्टीप्लाई करेंगे 30x. इट मीन्स पेरीमीटर कितना हो गया इसका, टोटल फेंसिंग लेंथ कितनी आई हमारे पास 30x मीटर. अब देखिए और भी गिवन है इसमें, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर. 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है ₹100, तो 30x में कॉस्ट कितनी आएगी 100 से, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. देन द रेट ऑफ फेंस 30x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो आएगा हमारे पास 3 1 2 3 एंड 3 0 लगा दी 3000 मीटर. टोटल जो कॉस्ट आएगी ₹100 वन मीटर की कॉस्ट है, तो 30x मीटर फाइंड करने के लिए 30x को 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3000x मीटर. बट हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है 75, तो इसका मतलब ये 75,000 के इक्वल होगा. जब ये भी टोटल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट गिवन है, इट मीन्स according to the questions, according to the question, जो ये भी कॉस्ट है और ये 75,000 की कॉस्ट है, तो इसको ये दोनों इक्वल होगी 3000x = 75,000.
चीज एक्स के ये मल्टीप्लाई में होगी, आर एच एस को जाने पर डिवाइड में पहुंच जाएगी, 75,000 डिवाइड में 3,000, जीरो से कैंसिल कर दो, देखो 301 2 3 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 75 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 6 एंड 3 5 15, एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 23। और जो हमने अज्यूम किया था x इक्वल टू 25 लेंथ एंड ब्रेथ के साथ, तो इसमें पुट कर देंगे तो लेंथ और हमारे पास ब्रेथ फाइंड हो जाएगी, लेंथ हमारे पास आएगी लेंथ एंड ब्रेथ, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंथ हमारे पास है 11x, 11 मल्टीप्लाई 25, 11 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं आपको साइड में, 11 मल्टीप्लाई 25 275 एंड ब्रेथ इज 4 मल्टीप्लाई 25 या हमारे पास 100 आंसर, लेंथ हमारे पास 275 मीटर एंड ब्रेथ 100 मीटर आंसर।